युग राम राज का आ गया शुभ दिन ये आज का आ गया हुई जीत सनातन धर्म की घर घर भगवा लहरा। हेलो जी, राम राम जी, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों बताइए कैसे आप सभी, आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाय जी कीजिए अपने दिन की शुरुआत हमारे साथ में एक नए ब्लॉग के साथ। और जी आज काफी कुछ खास है, वो खास इसलिए क्योंकि एक तो हमारी एनिवर्सरी है, हमारी शादी को हो चुके हैं 10 साल। और उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि आज राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है, तो उसके बारे में कुछ हमारे पति देव भी बोलेंगे। बोलिए जी। तो ये बहुत ही बड़ा गर्व की बात है कि हम अपने जीवन में राम मंदिर बनते हुए हमने देखा, तो ये बहुत ही खुशी की बात है और आप हम सब के लिए। और भले ही गाय जी हम कलयुग में हो, लेकिन हम सब ने, इस पीढ़ी ने जो हमारे साथ है, इस युवा पीढ़ी ने और हमारी आने वाली छोटी सी पीढ़ी ने भी राम मंदिर का उद्घाटन जो आज हो रहा है सब देख रहे हैं। तो जी ये बहुत गर्व की बात है ना दिशु, अच्छी बात है ना, ऐसे नहीं करते। तो गाय जी पूरे देशवासियों को, सभी को, हमारी पूरी YouTube फैमिली को राम मंदिर के उद्घाटन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की। और गाइज जल्दी ही राम जी ने चाहा तो सब धीरे धीरे वहां पर घूमने जाएंगे, हम भी घूमने जाएंगे राम जी के दर्शन करने के लिए, है ना दिशा। और जी वैसे आज हम ज्यादा कुछ नहीं कर रहे अपनी एनिवर्सरी पे, बस थोड़ा बहुत करेंगे, जो भी करेंगे दिखाएंगे आपको, करेंगे भी या नहीं भी। और गाइज आज हमारी शादी को 10 साल पूरे हो चुके हैं। तो जी मेरे पति देव के तो बहुत खुशी खुशी से गुजरे हैं 10 साल, है ना। हाँ बहुत खुशी, बिना किसी लड़ाई के, है ना। लड़ाई के मुझे तो वैसे इन्होंने बहुत कुछ सिखा दिया, है ना। हाँ। मैं तो बिल्कुल चुप रहने वाली बंदी थी जब इनके घर में आई थी, है ना। सुनो तो मैं बिल्कुल चुप रहने वाली बंदी थी गाइस जब इनके घर में आई थी, यार इन्होंने मुझे लड़ना और बोलना इतना सिखा दिया। सभी नहीं की मेहरबानी जो मैं इतना बोलूं, नहीं तो मैं इतना नहीं बोलूं थी, है ना। सबसे ये चीजें सिखाई जाती, ये तुमने ना अपने बहनों को देख देख के सीख रखी है। बहनों को देख देख के नहीं सीख रखी, आपको देख देख के सीखी हमने। तो जब मेरी शादी हुई थी ना, तो सब मुझे बोल रहे थे कि ये सबसे सिद्धि, और जब हमारा रिश्ता हुआ इन्हें यही बोला गया था कि हमारे में सबसे सिद्धि। तो देख लो जो, बात जो झूठ था, झूठ नहीं था वो, बात सच थी। तो झूठ, और इसी सच पे इन्होंने विश्वास करके शादी भी करी थी, है ना। इसी सच में आए थे कि ये सबसे सिद्धि, लेकिन देख लो थी मैं, लेकिन इनके पास आके ना इन्होंने 10 साल में मैं वो बोला ना कि तपा तपा कैसी कर दी, कि इन्होंने पाकट कर दिया मैं इनसे, आगे निकल गई लड़ने में, है ना। तो गाइस चलिए, ये तो मजाक कर रहे थे। हाँ क्या हुआ, अभी से आ रही थोड़ी सी निन्नी आ रही है। अच्छा चलो निन्नी करवाऊंगी। तो गाइस थोड़ी देर में मिलते हैं। देखिए मौसम तो जैसा 4-5 दिन से है ना सेम ही बन रहा, धूप वूप कुछ नहीं निकलती भैया, बड़ा खराब मौसम हो रहा। अब की बार सर्दियां ज्यादा लंबी खिंचगी, वरना जब हमारी शादी हुई थी तो जी तब तो बढ़िया मौसम, क्या था क्या बताऊं, बारिश इतनी हुई थी बहुत तेज, दिन भर इतनी तेज बारिश थी गाई जब हमारी शादी हुई थी। लेकिन उसके बाद हमेशा ही अच्छा दिन रहा, या फिर आज ऐसा हो रहा कि धूप नहीं निकल रही। जिंदगी लगती है एक तेरे करके, देखे घर घर भगवा लहरा रहा पूरे देश में, बड़ी अच्छी बात है गाइस ये।
तो काज देखे आज पूरे देश में जगह जगह दिवाली मनाई जा रही है। हमारे सामने वाले घरों में भी दिए जल रहे और पूरे गांव में पटाखों की आवाज आ रही है। दिए जला रखे देखे जी, आप सुन सकते हैं पटाखों की आवाज। अच्छा अच्छा, केक क्यों लाए बेटा? तो गाइस देखे बच्चे मारे नहीं है, नहीं तो हमारा तो अब की बार ऐसा कोई मोड़ था नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया। लेकिन ये लेकर इनका मन नहीं मानना। वॉफल क्या हो ये वॉफल? Happy anniversary, happy marriage anniversary, happy anniversary. मम्मी वीडियो बननी है आपकी। अरे भाई तो भाई देखिए बच्चों को भी सबका देख कर पड़ोस में पटाखे छुट रहे कि हमें भी छुटाने, तो इनके पोप रखे थे तो उन्हें देख लो कैसे दिशु कैसे जंप लगा लगा कर फोड़ रही है अपने पोप। क्या कह रहे क्या बोल रहे दिशु? नहीं आप अपने फोड़ो बेटा, एक दे दे बेटा, दे दो चलो। ओए शरारत नहीं दीदी के ऊपर नहीं फेंकते इसे। अभी बच्चे बन गए क्या हैं? बच्चे बन गए चलो। हम दीप जलाएंगे दीवा राम मेरे। तो गाइस देखिए आज हमारी शादी को हो गए कितने साल हो गए जी? 10 years। 10 year कंप्लीट हो गए और मतलब पता नहीं चलता गाइस कैसे 10 साल गुजर गए, ऐसा लगा जैसे अभी 2-4 साल पहले ही तो बात है। और बच्चे भी हमारे प्रीत भी 9 साल की होगी तो बच्चे भी बड़े होते जा रहे, पता नहीं चलता एक दूसरे के साथ कैसे टाइम गुजर जा। वैसे प्यार से तो कम गुजरे, लड़ते हुए ज्यादा गुजरे है ना। लड़ाई भी और प्यार भी सभी चीज होती है गाइस जब फैमिली में रहते हैं। और प्रीत ने हमें दोनों को बिठाया कि मम्मी पापा यहाँ पे बैठो, वो हमारे लिए कुछ लेके आई, तो देखते हैं गाइस क्या लेके आई। वैसे हमने ज्यादा कुछ नहीं किया आज क्योंकि कुछ ऐसा ही थोड़ा फैमिली रीजन है, हम 2 दिन से वीडियो भी अपलोड नहीं कर रहे थे तो जी बस हल्का सा बच्चों का मन था तो इसलिए थोड़ी सी केक कटिंग की, बाकी हम लोगों ने और कुछ नहीं किया। तो गाइस देखिए प्रीत ने ना हमें यहाँ पे बैठा के और कुछ लिए खड़ी छुपा रखा कुछ, ये कहे कि मम्मी पापा यहाँ पे बैठो और वीडियो बनाओ मेरी, क्या है बता दो दिखाओ लो। अरे भाई ये तो बहुत सारा सामान ले आए, मेरे लिए लाए ये सामान मम्मी का फेवरेट शेजवान चटनी। अच्छा तो गाइस देखिए मेरे लिए लेके आए ये शेजवान चटनी, मेरा ही फेवरेट है ये पर ये मेरा है, ये मेरा टूथपेस्ट है। अच्छा और ये मैं खाऊंगी अब। ये देखो बबली सिल्क, बबली सिल्क। अच्छा ये केक सूप,
अच्छा तो नाम तो ले रही मेरा, मतलब नाम तो कराए इन्होंने लगा, देख लो मेरी एनिवर्सरी का सामान लेकर आए खुद ही अपनी पसंद का, जो ये स्कूल में लेके जा सके और खुद खा सके हैं। ये सूप से कितने तेज हो रहे बच्चे। टू है टमाटो सूप और टू है मिक्स वेज सूप। अच्छा और ये पास्ता, कल को पानी की जगह बोतल में ये सूप ही भर दूं क्या तुम्हारी? अच्छा टमाटो वाला नहीं, मिक्स वेज वाला भर दूं। मिक्स वेज वाला भर दूं और वहां तक जाते जाते जम जाएगा ये। पर आइसक्रीम बना, पास्ता, चीज, मैक्रोनी। और कल एक अच्छी बात क्या है सुबह को बता दो। भूल गई थी तो गाइस बताओ तो सबको बताओ। हक्का नूडल, हक्का नूडल्स। अच्छा अच्छा बताओ तो कल से क्या शुरू हो रहा दीशु प्रीत का स्कूल? पढ़ाई फिर से शुरू हो रही, पूरी एक महीने की छुट्टी काट ली अब की बार इन्होंने। इतनी छुट्टी तो गर्मियों में मिली थी गाई जी ने और इतनी मिल गई ने अब की बार। ये पूरे 25 दिसंबर को स्कूल चली गई, उसके बाद ये पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं गई। और कल का में रहते हैं। तो पीटीएम में कितनी देर को? एक घंटे के लिए गए थे। एक घंटा क्या, 2-20 मिनट की बात होती है। 20 हाँ। मिनट तभी कम में आ जा। और कल 23 तारीख है तो 25 में गए थे, 25 में इनकी छुट्टी पड़ गई थी और कल 23 तारीख में जाएंगे तो पूरे 30 में तो वो था ना इनका पीटीएम था स्कूल नहीं, 25 तारीख में चली गई थी। कैसी है? मुझे तो कड़वी सी लगी, बहुत कड़वी डार्क चॉकलेट है। लास्ट में रखती है डार्क चॉकलेट। तुम्हें तो अगर हम तुम्हें खाना कड़वा दे दे या मिर्ची का वो तो तुमसे खाया जाता है, कड़वी चॉकलेट कैसे खा रहे तुम? बिल्कुल डार्क चॉकलेट है, बिल्कुल कड़वी चॉकलेट है, मुंह भी कड़वा हो गया इसे खा के। केक खा लो। नहीं केक वेक में कुछ नहीं खाती। शुभ दिन।